भी है क्योंकि मेरी मार्केट ज़्यादा पाकिस्तान है, तो मतलब अगर मैं जाके चीज़ खरीदूँ तो मैं 6-7 हज़ार से ऊपर की कमीज़ नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं 2 दफ़ा पहनूंगी, 4 दफ़ा पहनूंगी। अगर मैंने 20 हज़ार की बेचूंगी तो वो फिर सर्टन एक क्लास आएगी और फिर नहीं आएगी। अगेन आई वॉन्टेड मासेस, सो माई प्राइस रेंज इज सो इकोनॉमिकल, दिस इज 6,000 रुपीज। और तुम वो चीज़ें ही चूज करती हो जो किरण खुद भी पहने, और किरण जैसा लगना तो हर एक की ख्वाहिश है। अच्छा, वर्कआउट कितना करती है? अगर आप मेरे घर वालों से पूछेंगे तो कहेंगे कभी जाती नहीं है क्योंकि मैं उठ के जरूर पराठा खाती हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। आई डू आई लव हैविंग पराठा मेड बाय माई सेल्फ। रियली? पराठे भी खुद बनाती हूँ? पराठे बनाती हूँ, मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आप कभी आए मैं आपको खिलाऊंगी। यू आर अ सुपर वुमन, आई मस्ट से यू आर अ सुपर वुमन। आई ट्राई। अच्छा, मैं कुछ एक्ट्रेस के नाम लूंगी, और बिकॉज यू आर अ स्टाइल आइकॉन, हर एक अच्छे कपड़े पहनने का एबिलिटी और चॉइस नहीं होती, और फैशन एक ऐसी चीज है जिसपे किसी को क्रिटिसाइज कर भी देना तो इतना दिल को लगता नहीं, जरा फ्रिवलेस सी बात है। अब आप मुझे क्या कहना चाह रही? मायरा खान को क्या सजेशन दोगे? मायरा बहुत अंडरस्टेटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा, तो क्योंकि मायरा इज अ सुपरस्टार, इतना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, तो उनको वो कुछ भी करेंगी तो सुपरस्टार, शी कैन एक्चुअली गो ओवर द बोर्ड, और वो क्योंकि वो सुपरस्टार हैं तो शी कैन कैरी टॉप। तो आई गेस मायरा ड्रेसेस रियली वेल, बट आई थिंक बहुत जरा एक्सपेरिमेंट कर सकती है। सबा कमर को मैं कहूंगी कि आई लाइक हर, आई लाइक हाउ शी ड्रेस अप। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू से टू हर दो। यू थिंक शी इज परफेक्ट? आई थिंक शी ड्रेसेज नाइसली। ओके, आई हैवन सीन हर मच, मैंने उनको इतना मतलब बिकॉज वो बहुत कम जाती हैं like awards, और मैंने बहुत कम देखा है, तो उस लिहाज से मतलब जो बाकी डिजास्टर हम देखते हैं उस लिहाज से वो बहुत डिसेंटली ड्रेस अप होती हैं। और वही वाली बात कि उनको एक अच्छी बात है कि उनको पता है कि जो उनको सूट करता है वही पहने। ओके, ये बॉल गाउन्स अगर निकल जाए ना हमारी इंडस्ट्री से, we'll talk about it, तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सदफ कमल, आई लाइक हर। सोनिया हुसैन? सोनिया कुछ जगहों पे बहुत ही आई थिंक जब वो क्वर्की, जैसे वो अब चीज़ें मिक्स एंड मैच करती, मैंने कोई उनकी तस्वीर देखी ईद पे, उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी, बेल्ट, शी वाज लुकिंग वेरी, आई गेस जब उनको कोई स्टाइलिश स्टाइल बहुत ज़्यादा कर देता है ना तो वो ओवर द बोर्ड हो जाता है। नौशीन शाह? ग्रेट, मैं विश है यार। एंड नौशीन टेक्स एक्सपेरिमेंट्स, या शी डज, शी डज, इसमें मैं विश है यार। Really a stylist. Meera? Meera ji to phir Meera ji hai. Ikra Aziz? Really needs a stylist. That was good. Koi comment nahi laga. Kehti hai ki actor, jo achha actor hota hai, achha kaam unhi roles mein kar sakta hai jo uski soch se mutabikat rakhta wo role. Jo cheez aapki soch se zara opposite ho wo uncomfortable ho jata hai karne mein. ये आपके साथ सच है कि आप जो भी रोल मिलता है आप कहती है चाहे मेरे से नहीं भी है तो ठीक है, या यू विल टेक अ स्टैंड फॉर फ्यू थिंग्स के नहीं? व्हिच आई डिड एक्चुअली। सो मुझसे, मैंने अभी तक ड्रामा नहीं किया, आपने नोटिस किया होगा। आई थिंक तुम करना भी नहीं चाहती। मैं अब करना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि अब अगर दो, मैंने अपने आप को 2 साल दिए कि मैं देखती हूँ कि कैसा आगे मतलब थिंग्स, हाउ थिंग्स गो कंसिडरिंग एक्टिंग। काम मैं नहीं छोड़ूंगी, अपना दफ्तर और वो जो सब चल रहा है, तो इस पर मुझे ये था कि मुझे स्क्रिप्ट्स आई, मुझे साल से स्क्रिप्ट्स आ रही हैं ड्रामे के लिए, मुझे एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं लगी जिस पे मैं कहूँ मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। क्यों हर घर में सास की लड़ाई दिखाना ज़रूरी है? मेरी तो मेरी सास से लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, तो मैं भी तो हूँ ना, तो मैं क्यों ऐसा? तो शायद मुझे ड्रामा इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास कोई, मुझे, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ बट मेरे दिल को कोई ऐसी चीज़ भा ही नहीं रही जो मैं करूँ और कभी करे। जब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारी जरार इतनी बड़ी फिल्म है, इट्स सेकंड हाईएस्ट बजट फिल्म मेड इन पाकिस्तान, राइट, इट्स अ बिग बजट फिल्म, तो तुम पिंकी मेम साहब कर रही हो विच इज अ वेरी सर्टन, मतलब वी कैन कॉल इट पैरेलल, एग्जैक्टली इट्स एन आर्ट फिल्म। आई सेड मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई है, मैं करूँगी। उन्होंने कहा ये फिल्म पहले निकले, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम, मुझे अगर पसंद है, अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद है तो लोगों को नजर भी आएगा और मैं अपना 100% दूंगी। मैंने की,
फिल्म चली अल्हम्दुलिल्लाह. सो अगर मुझे स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आएगी तो मैं कैसे करूँगी? और स्क्रिप्ट में आप जब चीज़ें गलत लिख रहे हैं तो वो तो मैं नहीं करूँगी. यू आर अ मॉडल एज वेल. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए कभी मॉडल नहीं करोगी? यस. एनी फेयरनेस क्रीम? ओह वाओ, नेवर. और बाथरूम क्लीनर्स? नहीं ना. अगर कभी हिस्ट्री में जाओ और कोई इंसिडेंट चेंज कर सकती हो, व्हाट वुड इट बी गिवन अ चांस? टू गेट माय ब्रदर बैक. व्हाट हैपेंड? ही पास्ड अवे. व्हेन? 20 इयर्स बैक. ओह माय गॉड किरण, आई एम सो सॉरी. सो या, व्हाट हैपेंड? Just an accident and so yeah, I'm so sorry. So yeah, so you know, as I said that life you just need peace and zindagi badi mushkil hai, usko sukoon se jiyo, sab kuch acha hota hai. So you know, ek aur mushkil sawal puchungi. You are very emotional right now, lekin maine apna ek तरह से ये फ़र्ज बनाया है कि मैं अपने हर प्रोग्राम में इस इशू को ज़रूर डिस्कस करूं. यू आर अ मदर और बच्चों के रेप के इतने ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में सडनली बाहर आना शुरू हो गए हैं जो कि पहले शायद छुपे हुए थे. बीइंग अ मदर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वुमन, एडवाइस तो दो कि इसको कैसे रोका जा सके. सैडली इसको रोका जा नहीं सकता, बट ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई है ना, अब लोग बोलना शुरू हो गए. ये तो हमारे जमाने से भी हो रहा है, शुरू से हो रहा है, लेकिन पर यू थिंक्स के पेरेंट्स की विजिलेंस के अलावा कोई पर हमें थोड़ा सा और हमें अपने कान और आंखें खोल के चलना चाहिए. पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट कभी कभी देखिए, औलाद तो औलाद है ना. आप जितने भी इग्नोरेंट हो जाए अपने बच्चों के बारे में, बट आप फिर भी अपने बच्चों पर नजर जरूर रखते हैं, ठीक है. बट हमें अब ज्यादा इसलिए नजर रखनी है बिकॉज दिस सोशल मीडिया, दीज फोन्स, किड्स आर ऑलवेज ऑन द फोन. यू डोंट नो किससे बात करें, क्या हो रहा है. लाइक जैसे मैं अपनी बेटी पे मैं उसको कहूँगी नहीं, बट आई कीप एन आई ऑन उसके जितने ऐप्स उसके फोन पे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, येट मैं उसको इतनी स्पेस देती हूँ कि आजकल बच्चों को स्पेस चाहिए. बट अब क्यों ये चीज़ें खुल के आ रही हैं? इसलिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं. बट काश कि ये चीज खत्म हो जाए, ये तो और वर्स. अब आप देखें कितने केसेस रोज हमें सुनने को मिल रहे हैं. ये कैसे, ये कितनी फ्रस्ट्रेशन है बीइंग मदर्स. सोचना हैंड्स के मतलब बच्ची को, मतलब मैं तो बच्ची को गाड़ी में बैठा के कहीं भेज, मतलब यू हैव टू बी विद देम. पर कितनी चौकीदारी कर लो, करनी पड़ेगी. पर क्या करना पड़ेगा? मुझे लगता है जितने मर्जी लॉज बन जाए, आखिर लॉ ने जाके उस वक्त बच्चे के साथ तो नहीं खड़े हो जाना, बाद में सजा. बट लॉ इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपने उसको सजा देनी है, वो मेन प्रायोरिटी है कि बच्चे को बचाना. पर इफ़त, आपको ये नहीं लगता कि जो लॉ भी, मैं तो अपने ही माशरे की बात करूंगी, कि जब वो लोग ही मिले हो सब साथ, जब अंदर की कम्युनिटी भी मिली हो ना इन चीज़ों को प्रमोट करने में, कहने का मतलब, तो पहले तो हमें अपना जो कोर है ना, अपने रूट्स, उनको मजबूत करना है. हमारे सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, अगर ये सब स्ट्रांग हो जाएंगे ना, जब डर पैदा हो जाएगा इन सब चीज़ों का. आप देखें, मैं दुबई में रहती हूँ, कंसिडरिंग बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स अ सुपरफिशियल प्लेस, बड़ी बड़ी सिर्फ बिल्डिंग्स हैं और जो भी है, बिल्कुल सही कह रही हूँ. बट इट्स वेरी सेफ टू लिव. वाई? बिकॉज उनका सिस्टम इतना सख्त है कि वहाँ अगर आप अपना फोन छोड़ के यहाँ जाएंगे और 10 दिन बाद आएंगे, आपका फोन वहीं पड़ा. ये तो है. क्यों? क्योंकि लॉ सख्त है, डर है लोगों में कि जी कुछ हो गया तो हमें तो एक मिनट में डिपोर्ट कर देंगे. जब आपका सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपने तो खुद लोगों को उम्मीदें दी हैं जी जो मर्जी करो. सानू की ये सानू की कल्चर खत्म करें और टेक एक्शन स्ट्रेट अवे. मतलब जितनी तुम्हें लगता है कि जितनी हम सजाएं जल्दी जल्दी देंगे, डर पैदा करें लोगों में. अच्छा, यू लिव अब्रॉड, तुम्हारे लिए इजी इंटरनेशनल सिनेमा में काम करना, आर यू ट्राइंग फॉर दैट? नॉट येट, नो. आई डोंट इवन हैव अ मैनेजर बाय द वे. आई जस्ट, यू आर अ स्टार, आई नो, एंड आई मैनेज एवरीथिंग माय सेल्फ. I'm not kidding. You are a superwoman. इसलिए तो मैं बात कर रही हूँ. So I'm struggling to find someone who
जो जिसको जिनको मेरी होता है ना मैनेजर, एक ऐसी चीज़ है जो आप आपकी परछाई होना चाहिए, वो समझ आनी चाहिए कि आपको सो अभी मैं खुद ही से सब किसी को इतना ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, ट्रस्ट की बात नहीं है, अगर मुझे कोई काम दिलाने जा रहा है तो वो मेरी ओके सो इट हैज़ टू बी माई शैडो। मुझे ये बताओ कि कहते हैं, मैं मानती तो नहीं हूँ, कि खूबसूरत औरत वफादार नहीं होती, आप क्या कहते हो? सब वफादार होते हैं, खूबसूरत खूब, मैं ये कहूँगी नहीं कि हर बंदा खूबसूरत इन इन वन वे और द अदर, पर खूबसूरती के साथ फिर अदाएं भी होती हैं। नहीं, सब वफादार, बिल्कुल वफादार, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना। डू यू गेट, आई एम श्योर यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन, लोग फ्रेश भी होते होंगे, अनकंफर्टेबल भी करते होंगे, इनअप्रोप्रिएट एडवांसेस भी होते होंगे, हाउ डू यू डील विद देम? आई कैन इमेजिन, लुक एट यू। बस आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग और as I say ke what you bring to the table you know it, so I just take it as a compliment. Agar koi mere bare mein gossip kar raha hai to main yahi aage se kehti hu ke I'm sure ke main itni capable hu us gossip ke to log baat kare, jab acha karoge to hi koi burai kar raha hoga. Kabhi bahut uncomfortable situation hui ho koi aisa kya? Uncomfortable हो जाता है, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं काम पे, जैसे दफ्तर में लोग इनसिक्योर हो जाते हैं आपसे कि आप एक औरत हैं और अगर आप अच्छा काम कर रही हैं और आपको आपका बॉस इम्पोर्टेंस दे रहा है तो बीइंग अ वुमन बातें भी सुनने को आ सकती हैं, बट आई डोंट एक्चुअली नोटिस दीज थिंग्स। आई एम वेरी इमोशनल, मैं आपको तो पता चलता ही रहता होगा, बट मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से। आर यू अ फेमिनिस्ट? यस। एंड व्हाट इज फेमिनिज्म इन योर ओपिनियन? I think if we all are together, us all, no one can beat us. Hmm. And we are all together. Any question you want to ask me, Kiran? Why are you so beautiful? Why am I so beautiful? And I, you know what, I was telling Shahzad, main bhi Shahzad ke paas thi pehle. Toh maine Shahzad ko bola, maine kaha Shahzad, I just want to look like Iffat Bandi. And I want to look like you, honey. Like, because main aapki tasveer nahi kahi kehti hungi, har tasveer main lagati, sabse pehla comment kiran lagata. That's a compliment for me. But you've achieved so much, and as I said, ki aapko dekh ke bahut sari, hum aapko dekh ke, we just adore you. We are in an awe. Aww. All of us. Thank you so much. It means so much to me. और आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसका जवाब यह है कि आंखें आपकी खूबसूरत हैं जिनसे मैं आपको खूबसूरत नजर आ रही हूँ। Thank you so much, Kiran. It was a pleasure having you. Likewise. और नाज़रीन, इसके साथ ही इफ़त उमर को इजाज़त दें, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।